अब हो गई फुल ऑन बारिश स्टार्ट और अब आएगा ट्रैक करने में मजा। Hi guys, good morning and welcome to another video and another vlog. तो आज का vlog बहुत ज्यादा special होने वाला है क्योंकि आज finally हम जा रहे हैं केदारनाथ। ये हम तीनों की manifested trip है। ये हम कब से बात भी कर रहे हैं और कब से डिस्कस भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं केदारनाथ जाएंगे केदारनाथ जाएंगे। वो फाइनली ट्रिप आज हो रही है। आज हम ट्रैक करके ऊपर जाएंगे। जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था रजिस्ट्रेशन, वो नहीं हो पाया है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। तो वहीं जाकर पता चलेगा कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के जा सकते हैं या नहीं। चलो अब हम जस्ट निकल रहे हैं, तो मैंने व्लॉग कर लिया एंड आई विल सी यू गाइस। तो फाइनली थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद हम लोग को मिल गई एक गाड़ी और मैंने आपको बताया कि आपको कैसे मिलेगी एंड अभी हम लोग बैठ गए। मैं तो गोद में बैठ गई है। तो अभी हम लोग सोनप्रयाग से ऑलमोस्ट गौरीगुन पहुंच गए हैं। तो बीच में एक ट्रक की वजह से ट्रैफिक लग रहा था तो हम पैदल ही निकल गए, थोड़ा सा ही 1.5 किलोमीटर जितना। अरे वहाँ जहाँ लाइट है वहाँ सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है तो हम आ ही गए। तो अब गौरीगुन जाके मेन ट्रैक स्टार्ट होगा। तो अभी हम गौरीगुन पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं ट्रैक करके। अब मेरी स्टार्ट हो गई। देखो अभी तक तो नहीं है कुछ ऐसा, बट आगे जाके पता लगेगा कितना क्या डिफिकल्ट है। हम इजीली कर पाएंगे। हर हर महादेव। एक टाइम के बाद तो फूल ही जाती है। एक टिप देना चाहूंगी, बैग आगे चढ़ के ट्रैक करना, क्योंकि पीछे जब रखोगे और चढ़ाई करोगे तो पीछे बैठ जाएगा। वो केदारनाथ के बाद वापस चल। अब बेटर है बॉस। चल चल मिल जाएगा कि 14 किलोमीटर। हां चलो। अरे मेरे गाड़ी में मेरा ऐप है। चलो थोड़ा पास तो जाओ, जिस तरीके से उसका पैर है फिलहाल एक इतने दूर नहीं आएगा वो। तो फाइनली अभी थोड़ी रोशनी वोशनी हो गई है तो थोड़ा सा व्यू वगैरह भी दिख रहा है। नीचे मस्त खाई वाई है। आगे ये रहा रास्ता जाने का, पीछे का ये रहा। ज्यादा चले नहीं है अभी बट ठीक है। तो मैंने तो बहुत ऐसे एक्सपेक्ट करा था कि कितना एक्सट्रीम होगा ट्रैकिंग, पर ठीक है मजा आ रहा है। वीडियो में बोल रही हूँ तो सांस फूल जा रही है, उसके अलावा तो चल है। थोड़ी देर में तो कुछ खाने के लिए रुकते हैं, कुछ था नहीं पीछे अभी तक। तो अभी 8 किलोमीटर क्रॉस कर लिए हैं, नहीं 8 किलोमीटर बचे हैं बट 9, 18 ऑलमोस्ट 50% डन हो गया है। उसके अलावा क्या बोलती थी मैं, हाँ मैं सबसे आगे हूँ। नैदुकरण ने नीचे रेस्ट लिया है 9 किलोमीटर के आसपास कुछ पे, और दीदी जीजू जो हैं वो तो 10 किलोमीटर पे हैं। तो मैं रुकी नहीं, मैं धीरे धीरे चली रही हूँ क्योंकि एक बार रुक जाओ ना तो फिर बॉडी ठंडी हो जाती है। यही हो भाई। तो हम लोग आधा रास्ता ऊपर चढ़ के आ गए और यहाँ पे पता चल रहा है कि
कुछ नहीं खुला, यहाँ तो हड़ताल है, हड़ताल है, मंदिर भी बंद। तो ऊपर केदार जाके भी हमको खाने को नहीं मिलेगा, मंदिर खुला है ना, खाना शायद नहीं। ये इसने तो खा ली थी मैगी वैसे। अच्छा हुआ मैंने खा ली, थैंक यू भाई, 10 दाने मिले उस मैगी के लिए, पर अच्छा हुआ मैंने खा ली। तो ऑलमोस्ट अब पहुंच ही गए, 4-5 किलोमीटर और जाएंगे ना, तो अब ऊपर जाके व्लॉग करूंगी मैं, और कुछ व्लॉग नहीं कर रही। हम चल चल के थक गए, पागल हो गए यहाँ चल चल के। हमारे पैरों ने बोला हमें उठा के ले जाओ। तो ऊपर जाके ही मिलते हैं, ठीक है। मिनट के लिए यहाँ पर रेस्ट लिया है, तो मंदिर अब यहीं से जाके ऊपर ही है, और यहाँ पर ना स्ट्राइक चल रही है, तो कुछ भी रेस्टोरेंट, खाने का, होटल, ये सब कुछ बंद है। तो ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, मतलब पुलिस वाले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो भी लोकल, मतलब लोकल कह रही हूँ, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करा था। तो बस प्यास लग रही है, पानी पी के मैं बस जा रही हूँ। कितना प्यारा मंदिर है यार, ऐसा लग रहा है देख रही हूँ। प्लीज़ वाई फाई दर्शन कर लो सब। बाकी लोग बहुत स्लो थे, तो मैं उनको छोड़ के आ गई, क्योंकि 5 बजे तक ही दर्शन मिल सकते, उसके बाद कपार बंद हो जाएंगे, तो मैं तो आ गई अपना। और घूम के आइए, और लाइन अभी भी यहाँ से नहीं, और आगे से। मैं पूछती हूँ कितना टाइम लगेगा आज दर्शन करने में, अगर लाइन में लगूँ मैं 2 घंटे लाइन में लगूँ और दर्शन ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि हम रात को भी यहीं पर रुक रहे हैं, तो हम मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बार किसी लोकल से पूछ, कभी भी कुछ भी मौसम चेंज हो सकता है। अभी इतनी धूप थी, कोहरा आ गया, और अब शायद बारिश भी आएगी, तो मैं तो चली। कल तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए, बट हम ना ट्रैक करके ये सूट वूट साड़ी लेके आए थे, तो हमने सोचा इतनी मेहनत हम करके, क्योंकि हमें ही पता है हम कैसे चल रहे हैं, क्यों वेस्ट करें, हम तो जा रहे हैं, फोटो तो बनता है यार इतना, तो चलो चलो। बहुत हिम्मत करके हम रेडी हुए और हम जा रहे हैं मंदिर। जो सूट पहना है सारी लगा के, और बात फिर से आने Oh,
आरवी चलो चलो भाई सब कुछ हो गया, अब जा रहे हैं फाइनली ऑफ टू होम। जल्दी जल्दी क्योंकि बारिश आने वाली है। हाँ हाँ, और यहाँ कभी भी मौसम बदलता है यार, तो भगो। 10 मिनट पहले भी धूप थी यहाँ पर, और अभी बारिश हो रही है। अब हो गई फुल ऑन बारिश स्टार्ट, और अब आएगा ट्रैक करने में मजा। अपने पहाड़ी जाएंगे, वो सब बताओ इस पौधे को क्या कहते हैं। ऑलमोस्ट पहुंच ही गई 3 किलोमीटर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट इज द नेक्स्ट डे। तो अभी हम लोग गुप्त काशी वाले स्टे में वापस आ चुके हैं। तो कल तो इतना थक गए थे और इतना ट्रैफिक था, तो हम तो कैसे वापस आए, और आते ही नहाए और सो गए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी इस ट्रिप से रिलेटेड। मैं सोच रही हूँ कि एक अलग कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये वाला व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, और मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें एक डिटेल में अलग वीडियो में देनी चाहिए। आइटिनरी टाइप दे सकती हूँ, और थिंग्स टू डू एंड टू अवॉइड सॉर्ट ऑफ एक बना सकती हूँ, क्योंकि अब कपाट खुल गए हैं तो काफ़ी लोग ट्रैवल करेंगे, और ऑनलाइन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, काफ़ी लोग नहीं बताते। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने लिख के रखा है हाथ के हाथ ही, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, तो वो मैं घर जाके आराम से बनाती हूँ। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। कॉमेंट पता है ना क्या करना है। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।